सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का अपने ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज शाम 7 बजे की सच्ची खबरों में स्वागत है। बहनों, आज आपको बहुत ही जरूरी जानकारियां देने वाला हूं। आपको मानदेय के बारे में भी बताऊंगा और उससे भी जरूरी अब आपको प्री प्राइमरी के बारे में एक अच्छी अपडेट देने वाला हूं, जिसको लेकर के काफी बहनों को चिंताएं थी। काफी जगह आपने देखा होगा आंगनबाड़ी के बच्चों का जबरन प्राथमिक विद्यालय वाले कक्षा एक में दाखिला कर लेते थे, भले ही वो बच्चे 6 वर्ष के उम्र पूरी ना कर पाते हों, यानी 6 वर्ष से कम उम्र होती थी और तब भी उनका जबरदस्ती कक्षा एक में एडमिशन कर लेते थे। तो वहां की बहनों के लिए एक अच्छी खबर है, अब 6 वर्ष से कम उम्र के छात्रों का कक्षा एक में प्रवेश नहीं होगा। इसको लेकर के सरकारी आदेश भी जारी हो गए हैं, अभी हम आपको वो दिखाएंगे। आपको बता दें, फिरोजाबाद में हिंदुस्तान संवाद में एक ये इसको लेकर के आर्टिकल भी छपा और अभी सभी जिलों को लेकर के जो महानिदेशक ने स्कूल से एक महानिदेशक ने एक लेटर जारी किया है उसको भी दिखाऊंगा। इसमें लिखा है, अगर आपके स्कूल में कोई 5 वर्ष के बच्चे का प्रवेश कक्षा एक में कराने आ रहा है तो आप उसे यूकेजी में ले सकते हैं, क्योंकि शासन ने कक्षा एक में प्रवेश के लिए आयु सीमा निर्धारित कर दी है। कक्षा एक में प्रवेश के लिए छात्रों की कम से कम जो उम्र है यानी न्यूनतम वो 6 वर्ष होनी चाहिए। यह नियम परिषदीय स्कूलों के साथ प्राइवेट और पब्लिक स्कूलों पर भी लागू होगा। तो हर जगह का यही आलम है, अब 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का दाखिला कक्षा एक में नहीं होगा, चाहे वो सरकारी स्कूल हो चाहे वो प्राइवेट वाला एक स्कूल हो। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति और निपुण भारत मिशन के तहत यह तय किया गया है कि इस संबंध में अपर मुख्य सचिव दिनेश कुमार द्वारा जारी शासनादेश के आधार पर महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने भी सभी BSA को आदेशित कर दिया है। तो अभी हम आपको वो उनका शासनादेश भी दिखाएंगे और उसमें जो जो बातें हैं वो सब आपको देखने को मिलेंगी। आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी ध्यान है, प्रदेश में 1,88,000 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। इन केंद्रों पर बाल वाटिका के साथ में कई कार्य बच्चों के विकास के लिए हो रहे हैं। इन केंद्रों में 5 से 6 वर्ष के बच्चे होते हैं, लिहाजा शासन ने कक्षा एक में प्रवेश की उम्र अब 6 वर्ष न्यूनतम निर्धारित कर दी है। प्री प्राइमरी में प्रवेश लेते वक्त ध्यान रखना है, शासन ने स्पष्ट आदेश किया है कि प्री प्राइमरी वाले जो स्कूल संचालित करने वाले नर्सरी LKG UKG इनमें प्रवेश लेते वक्त ध्यान रखें कि बच्चा 6 वर्ष से कम उम्र में कक्षा एक में ना पहुंचे, ताकि पढ़ाई की निरंतरता किसी भी तरह से बाधित ना हो। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। अगर 6 साल से उम्र कम है तो कक्षा एक में ना माँ बाप को एडमिशन बच्चों का करवाना है, ना ही स्कूल वाले उनका एडमिशन करेंगे। अब अमरेश कुमारी जी हैं प्रतापगढ़ से, उन्होंने विजय किरण आनंद महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश से जारी एक ये लेटर हमको भेजा है। 28 अप्रैल को यह लेटर महानिदेशक ने जारी किया था और उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भेजा था, जिसमें उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में कक्षा एक में प्रवेश की आयु के पुनर्निर्धारण के संबंध में, जिसमें नीचे लिखा गया कि उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या 68 जो कि 5099 जो कि 25/4/23 का लेटर है, जिसका संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कक्षा एक में प्रवेश के आयु का जो निर्धारण है वो किया गया है। उक्त संदर्भ में शासनादेश में वर्णित प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करना जो है सुनिश्चित करें, यानी कार्रवाई करने को लेकर के यहां पर एक लेटर आया, जिसको लेकर के एक और जानकारी आई। आप देख सकते हैं दीपक कुमार हैं और ये अपर मुख्य सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन में। उन्होंने 25 अप्रैल को अपने वहां पर इन्हीं महानिदेशक को, जिनका मैंने अभी लेटर दिखाया, उनको इन्होंने दीपक कुमार अपर मुख्य सचिव जी ने लेटर भेजा था महानिदेशक को, जिसमें उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में कक्षा एक में प्रवेश की जो आयु है उसके पुनर्निर्धारण के संबंध में एक ये पूरा आप कह सकते हैं कि आदेश है, जिसमें क्या क्या बातें कही जा रही है आइए इस पर हम सब गौर करते हैं। लिखा है, उपयुक्त विषयक संयुक्त सचिव शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अर्धशासकीय पत्र संख्या जो कि 9 फरवरी का, अपने पत्रांक प्री प्राइमरी जो कि 10 अप्रैल का, इसका संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020
और निपुण भारत मिशन के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में कक्षा एक में प्रवेश के लिए आयु का जो पुनर्निर्धारण है वो संबंधित प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। भारत सरकार के पत्र 9 फरवरी 2023 में उल्लेख किए गए हैं, जिसके बारे में यहां पर सब लिख करके दिया गया है। इसके बारे में पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, 5+3+3+4 का जो पैटर्न है जो है आपकी नई शिक्षा नीति 2020 के तहत, उसी का यहां पर जिक्र किया गया। नीचे तीसरा पॉइंट उन्होंने दिया है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में संचालित 1,88,000 आंगनबाड़ी केंद्रों में आयु वर्ग 5 से 6 वर्ष के बच्चों को बाल वाटिका के लिए निर्धारित अधिगम लक्ष्यों की संप्राप्ति सुनिश्चित कराने के लिए बाल विकास सेवा पुष्टाहार के द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग के साथ में अंतर विभागीय समन्वय से कार्य किया जा रहा है। उक्त परिपेक्ष में सम्यक विचारोपरांत मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासनादेश संख्या जो कि 17/12/2019 को संशोधित करते हुए कक्षा एक में प्रवेश की न्यूनतम आयु अब 6 वर्ष निर्धारित की जाती है। अग्रेतर ऐसे बालक बालिकाएं जो उस शैक्षिक सत्र में 1 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच में 6 वर्ष की आयु पूर्ण करने के कारण प्रवेश से वंचित हो रहे हैं, उन्हें निर्धारित आयु में शिथिलता प्रदान करते हुए शैक्षिक सत्र से प्रारंभ में ही प्रवेश मिल जाएगा। तो 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक उन्होंने एक ये वो भी रख दिया है, तो ऐसे में इसका भी ध्यान रखना है। इधर वर्तमान में जिन छात्रों का कक्षा एक में प्रवेश हुआ है तथा जिनकी आयु 5 से 6 वर्ष के बीच है, उन्हें कक्षा एक में अध्ययन की अनुमति के जो है यहाँ पर पूर्व के वर्षों की भांति प्रदान की जाएगी। आदेश निर्गत होने के पश्चात होने वाले नामांकन में यह सुनिश्चित कराया जाएगा कि कक्षा एक में उन्हीं बच्चों का नामांकन हो उस शिक्षा सत्र के 31 जुलाई तक जो है 6 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हो। तो अगर 31 जुलाई तक 6 वर्ष पूरा हो रहा है तो उसी सत्र में उसका एडमिशन हो जाएगा। मान लो अप्रैल में एडमिशन होते हैं, मान लो अप्रैल में उसका पूरा 6 वर्ष पूरा नहीं होता है, मई में भी नहीं होता है, जून में भी नहीं होता है, या मान लीजिएगा जुलाई में होता है, तो अगर जुलाई में हो जाता है वो भी 31 के पहले इन किसी भी महीनों में हो जाता है तो उसको अप्रैल में ही एडमिशन उसी सत्र में दाखिला मिल जाएगा। लेकिन अगर 31 जुलाई यानी जुलाई महीना पार हो जाता है, अगस्त सितंबर वगैरह में पूरा होता है, तो फिर उसको दोबारा से जब घूम करके आएगा तो उसमें आकर के फिर अगले सत्र में मिलेगा। वर्तमान में प्री स्कूल यानी नर्सरी, LKG, UKG इनमें अध्ययन करने वाले ऐसे बच्चे जो कक्षा एक में दाखिले के समय 6 वर्ष से कम आयु के होंगे, उन्हें कक्षा एक में प्रवेश दिया जाएगा तथा उनके आगे की पढ़ाई निरंतर में कोई व्यवधान नहीं होगा। आगामी वर्षों में प्री स्कूल, नर्सरी, LKG, UKG कक्षाएं संचालित करने वाले विद्यालय के लिए यह बाध्यकारी होगा कि वे प्री स्कूल कक्षाओं में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु का निर्धारण इस प्रकार करें कि कोई भी बच्चा 6 वर्ष से कम उम्र की में जो है कक्षा एक में प्रवेश के लिए अहर ना हो। तो यहां पर ये एक लेटर आप लोगों ने देखा जो कि काफी अच्छा रहा, अमरेश जी ने ये लेटर भेजा था। इनके अलावा इन्होंने ये दोनों जानकारियां भेजी। अब हम आपको मानदेय के बारे में भी कुछ जानकारी दे देते हैं। कंचे देवी बहन है, प्रतापगढ़ से आती हैं और उनके खाते में आप देख सकते हैं पैसा जो आया है, जिसमें कि ये 10,000 आप देख सकते हैं यहां पर, और एक ये 13,000 आप देख सकते हैं, और ये 28 तारीख को ही आए हैं। ये 6500 आप देख सकते हैं 28 तारीख को। तो 10,000, 13,000 और ये 6500, ये रुपए प्रतापगढ़ में आए हैं। अब बहुत से लोग कहेंगे हमारे यहां तो इतना नहीं आया, आपको अगर हर महीना समय से पैसा मिल रहा है तो क्यों आएगा। अब इनके वहां पर पैसा बकाया था जिस वजह से यहां पर पैसा आया है। नीचे उन्होंने लिखा भी है कि मैडम जी का प्रतापगढ़ आने पर बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, इनके आने पर बकाया पैसे का भुगतान तो कम से कम हो पाया। तो वहां पर मंत्री जी आई थी प्रतापगढ़ में हाल ही में, तो बहनों ने वहां पर मांग किया था और अब वहां की बहनों को जो ये पैसा है आप देख सकते हैं 10,000, 13,000, 6500 इतना 28 तारीख को उनके खातों में बकाया वाला पिछला पहुंचा दिया गया है ये। और इन्होंने एक ये मैटर भेजा कि आज दिनांक 28 अप्रैल को डायरेक्टर बाल विकास सेवा पुष्टाहार द्वारा जनपद प्रतापगढ़ के आंगनबाड़ी केंद्र जो है रहवई कुंडा का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में मैडम ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा पोषण ट्रैकर पर भरे जाने वाली सूचनाओं को देखा, विशेषकर बच्चे गर्भवती महिलाओं के वजन और लंबाई फीडिंग को ऐप पर देखा। सैम मैम बच्चों की चिन्हांकन के बाद की गतिविधियां, उसके बारे में आंगनबाड़ी ANM से बात की गई
और वह जो ई कवच पर स्वयं में बच्चों की ट्रैकिंग करते हुए विजसंडी सत्र पर आवश्यक दवाएं देते हुए उन्हें जल्द से जल्द सामान्य श्रेणी में लाया जा सके। इसी प्रकार प्री स्कूल किट की गतिविधि के लिए भी आवश्यक निर्देश दिए गए। प्री स्कूल किट सामग्रियों को बच्चों द्वारा ज्यादा से ज्यादा उपयोग कराने के लिए कहा गया, जो कमियां पाई गई उसे सुधार के लिए आवश्यक निर्देश के लिए मैडम द्वारा दिए गए। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि 28 को वहां पहुंची हैं, जिसमें भी कुछ बातें कही गई, लेकिन वो आपका पैसा आना था समय से, इसलिए आया। 28 को अगर पैसा आया और 28 को ही आई है तो इसमें कोई सेंस नहीं बनता कि उनके आने के बाद ये हो गया है। हाँ, ये जरूर कहेंगे अच्छी बात है, अगर पैसा आ गया है हो सकता है पहले से ही आपके खातों में वो जो है पुराना पैसा बकाया वाला लगाने का मैडम जी ने प्रोसेस ऊपर वहां शुरू करवा दिया होगा, तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी स्वरूप पहले ही चीजों को कर दिया है। आप लोगों के वहां कहने या वहां पर जाने के बाद से चीजें नहीं हुई है, क्योंकि अगर 28 को ही वो आई है और 28 को ही पैसा आया। इधर देखिएगा, उर्मिला जी हैं लखनऊ से और उन्होंने कहा, भैया जी नमस्ते, मैं आंगनबाड़ी उर्मिला लखनऊ सरोजनी नगर से, और यहाँ पर ये बच्चों को खिलौने टाइप के जो है दिए गए हैं, ऑफिस से एक किट टाइप का मिला है, तो आप ये कुछ नोटिस कर पा रहे होंगे। और आगे ले चलते हैं, आपको बता दें ये बहन है जो कि इन्होंने संगीता यादव हैं और ये आती हैं जालौन जिले से। इन्होंने कहा है कि हमारे वहां पर 2000 1000 इस तरीके से सब पैसे हाल ही में आए हैं। ये शीला मिश्रा है बाराबंकी से, 1500 और 500 करके इनके भी कल आए हैं। प्रेमलता है उन्नाव से, इन्होंने कहा भैया जी 28 तारीख को शाम 5 बजे 1000 रुपए, 1500 रुपए, 500 रुपए, 4500 रुपए, ये सब करके ऐसे ऐसे सब पहुंचे हैं। रीमा सिंह जौनपुर से 4500, 1500, 1000 और 500, इतना पैसा आया है। तो देख सकते हैं एक एक महीने का समझ लीजिएगा पूरा पूरा, तो मुझे लगता है पहुंच ही गया। उर्मिला जी है बुलंदशहर से, 2000, 4500, 1500, 1000, इतना रुपया बुलंदशहर में उनके वहां आया। संगीता है कुशीनगर से, उन्होंने कहा 4500 रुपए आए हैं। रीता श्रीवास्तव है बलरामपुर से, उन्होंने कहा है कि प्रिय बेटा सुधांशु जी हमेशा खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, मेरा 1000, 4500, 2000 कल शाम को खाते में आ गया है। बराबर न्यूज देखते हैं, ऑल इंडिया का समाचार से अवगत हो जाती हूं, बैंक भी नहीं जाना पड़ता है, मोबाइल बैंक से जो लिंक है तो मोबाइल से ही पता चल जाता है, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको न्यूज के लिए। तो मोबाइल वगैरह चेक करती रहती है न्यूज के लिए, भगवान आपको हमेशा खुश रखे, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। आगे ले चलते हैं, आपको बता दें कि ये बहन है जो कि सुगेश राघव बुलंदशहर से, और उन्होंने कहा कि इनके वहां पर 2000, 4500 और 2500 इतने पैसे आए हैं। ये एक बहन है जिन्होंने लिखा है कि यहाँ पर जो है 6 अप्रैल को 400 आए, 21 अप्रैल को 2000 आए, 26 अप्रैल को 4500 आए, 28 अप्रैल को 1000 प्लस 1500 आए। बदायूं जिले की हैं बहन, और 21 अप्रैल को ये 3000 और 28 अप्रैल को 1500 प्लस 1500 का ऐसे ये मैसेज देखने को मिले हैं। आगे एक ये बहन है जो कि उर्मिला है बस्ती से, 4500, 1500, और ये कमला है सुल्तानपुर से, 4500, 4500 और 500 इतना पैसा आया। ये जुलेखा है बांदा से, 1500 का मैसेज आया, और ये 1500 का दो मैसेज आए हैं। संगीता तोमर है आगरा से, 500 और 1500 का मैसेज आया है, जिसके बारे में बताया, 2000, 4500, 1500, 500 रुपए आए हैं। नीचे उन्होंने ये भी और लिखा है, तो आप देख सकते हैं। तो ये अब कुल मिलाकर के मानदेय एक महीने का कह सकते हैं आ चुका। कुसुम लता बहन मथुरा से, उन्होंने लिखा है कि भैया जी 28/4 को तीन मैसेज आए हैं, 4000 का, 2000 का, 1500 का, इस तरह से। तो 12000 कुल मिलाकर के उन्होंने कहा कि ऐसे 12 कहां से हो जाएंगे, तो उन्होंने 12000 बता दिए हैं। तो हो सकता है अप्रैल में इनका मार्च का पैसा आया होगा, उसको भी उन्होंने जोड़ करके बताया हो। संजय जी मुरादाबाद से, उन्होंने कहा 1000, 2000 और 1500 ये सब आए हैं, और उन्होंने कहा है कि ये 29 तारीख को आए हैं, आज तो 1 बजे उन्होंने मैसेज किया। आगे आपको बता दें, पुष्पा सिंह बहन है उन्नाव से आती हैं, और उन्होंने भी अपने मां से एक लेटर भेजा है, शायद मुझे लगता है 28 तारीख का लेटर है, और मैंने आपको अभी प्री प्राइमरी जो दिखाया वही उन्होंने भेजा। राजकला है आजमगढ़ से, और उन्होंने कहा कि हमारे वहां पर 1500 रुपए और 4500 रुपए का मैसेज सक्सेस हो गया है, और इनके अलावा ये सोमवती है पीलीभीत से, 28 को 1500, 2000 और 4000 इतना पैसा सब आया है। उन्होंने कहा पिछला मैसेज 1500, 4500 मार्च का लगा है, अभी तक अंडर प्रोसेस में ही है। तो आप देख सकते हैं, अब आप बताओ जो बहने कहती थी कि ये मार्च का है या अप्रैल का है, दुनियादारी सबको जिसको जैसा मन हुआ वैसा कहा, अब आप देख लीजिएगा यहां पर बहन ने साफ साफ लिखा है कि 28 तारीख को अकाउंट में 1500, 2000 और 4000 इतना आया, लेकिन उन्होंने कहा कि पर भैया जी पिछला मैसेज जो 1500 का प्लस 4500 का जो मार्च में लग गया था वो अभी तक अंडर प्रोसेस में है, जो है वो उसी में दिखा रहा है, अंडर प्रोसेसिंग में सक्सेस नहीं हुआ है और ना ही अब लगता है कि उम्मीद है। तो आप देख रहे हैं, मैंने कहा था मार्च में कुछ बहनों का पैसा लग गया था, अब वो सक्सेस अभी तक नहीं हुआ, तो आप बताओ कि ये किसका समझेंगे। लेकिन फिर भी अगर मार्च का ही है तो मार्च का ही ठीक है, हो सकता है वो लग गया हो, सक्सेस ना हुआ, वो बस टेक्निकल एरर कह सकते हैं, तो मार्च का दोबारा लगा हो तो दोबारा ही समझ लिया कि अब ये मार्च का दोबारा लगा था, तो सबका लगा, सबका आ गया, यही ठीक है।
आगे ले चलते, ये है मालती देवी फिरोजाबाद से, और इनके अलावा एक ये है सुधा सिद्धार्थ नगर से, ये सुरुचि है मथुरा से, मथुरा में भी इनके वहां आ गया है 4500, 2500, 5000 और 1500, इस तरीके से चार मैसेज इनके आए हैं। मीरा है शाहजहांपुर से, इन्होंने कहा है कि भैया जी यहाँ पर पेपर वगैरह इनका होना है, दरअसल क्योंकि आधार बनाने में इनका नाम दिया गया है वहां पर, तो पेपर उसके लिए होगा, जिसको लेकर के ये काफी चिंतित है। तो पेपर क्या होगा, कैसे होगा, पहले जो भी जानकारियां आई थी ऑल इंडिया पर आधार किट से जुड़ी हुई, तो वो बताई गई हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि हम सभी चीजों को दिमाग में स्टोर करके रख पाएंगे हर एक चीज को, कि 10 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने पहले मैंने क्या दिखाया उस पर मैं बार बार बता सकूं। तो इसलिए ऑल इंडिया पर जो जो जानकारी आती है उनको देखा करें। ये उषा है जौनपुर से और उनके वहां से ये फोटो आई है। साथ ही ये जरूर कहना चाहूंगा, पेपर जैसा भी हो जो भी हो उसके लिए परेशान नहीं होना है, जो होगा समय के साथ सब पूरा हो जाता है, टेंशन वाली इसमें कोई बात ही नहीं है। ऐसा थोड़ी है पेपर नहीं होगा, आधार किट वाला जो भी सिस्टम चलेगा तो जिन लोगों पर बनाने के काम दिया जाएगा पेपर नहीं होगा तो कुछ गलत हो जाएगा। अरे जो होगा सो होगा, वो खुद ही उनको चिंता होगी, काम कराएंगे तो सब करना पड़ेगा, तो वो सब वहां पर हो जाएगा, आपको इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रशिक्षण मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो फिर टेंशन किस बात की। धन्यवाद।